यदि लोग सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं, इसलिए हम अनलिमिटेड वाले पाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑफर निकाल दिए मात्र 120 रुपए में अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना खाओ। ऑफर क्या है, ना जेब पे भारी ना पेट पे भारी। दाल मखनी खा जाओ अनलिमिटेड, बटर नान खा जाओ अनलिमिटेड, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। जितना मर्जी खा के रहो, दबा के खा के जाओ, बशर्ते सिंगल पर्सन के लिए वैलिड रहता है। आउटलेट पे आओ, यहीं पे खड़े होकर खा के जाओ, शेयरिंग अलाउड नहीं है। अगर शेयरिंग करते हो देख लिया तो दोबारा रिफिल नहीं करेंगे। ये रही जी हमारी दाल मखनी, और ये कोई ऐसी वैसी दाल मखनी नहीं है, प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स तो गए ही गए हैं, साथ में हमारा प्यार भी गया हुआ है। बटर नान सब अनलिमिटेड है। आप दो चार, अभी हाईएस्ट नान का रिकॉर्ड जो हमारा चल रहा है, एक भाई 8 बटर नान खा के गए। आज सुबह ही उसकी वीडियो अपलोड किया हमने अपने इंस्टाग्राम गरीब की हट्टी पे। आप आओ, रिकॉर्ड तोड़ो, 10 खा के जाओ, 12 खाओ, 15 खाओ, सिंगल पर्सन खाए खड़ो के कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अगर कोई जैसे मैदे वगैरह अवॉइड करते हैं तो उनके लिए बटर रोटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बिल्कुल धमाल है जी, ये शाही पनीर रहा। किन लोगों के लिए? शाही लोगों के लिए। और ये खाली पनीर की ग्रेवी नहीं मिलेगी आपको, ये आपको अनलिमिटेड साथ में पनीर भी मिलेगा। जितनी आपकी इच्छा उतना खा कर जाइए, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है जी, अब ये आ गई दाल मखनी। दाल मखनी किन लोगों के लिए? जो लोग मक्खन लगा के अपना काम निकलवाते हैं लोगों से, उनके लिए स्पेशल दाल मखनी, प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल, वही फ्लेवर्स मिलेंगे आपको। जितनी बार मर्जी दाल मखनी रिफिल कराओ, जितनी बार मर्जी शाही पनीर रिफिल कराओ, और नान तो 2, 4, 8, 15, 20 जितने मर्जी खा जाओ, मात्र 170 रुपए देने। अगर आपकी बंदी नाराज हो रखी है, बंदी को अनलिमिटेड वाले पाजी यहाँ गरीब जट्टी पे ले आना, मात्र 170 रुपए खर्च करना, और यहाँ से खुश करके लेके जाना उसको अनलिमिटेड नॉर्थ इंडियन फूड खिला के। अब आपको नान की मेकिंग दिखाते हैं, फिर आपको प्लेटिंग दिखाएंगे। बटर नान का जायका बेसिकली मैदे का होता ही है, इसमें जब इसको गूंदते हैं, इसमें दूध वगैरह डाल के गूंदा जाता है, इसका जो इसका डो तैयार होता है। हाँ, मतलब जो इसका मैदा जब हम गूंदते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं ताकि नान में सॉफ्टनेस आ सके। ठीक है, और बाकी बटर तो ऊपर लगता ही है जी। जो बटर नान के दीवाने उनको बताने की जरूरत नहीं है, बटर नान क्या अहमियत है उनके लिए खाने में। तो अगर बाहर खाना है तो साथ में बटर नान तो चाहिए ही चाहिए। आज की डेट में अगर कोई रेस्टोरेंट में या जहाँ पे भी जाता है, उनके मेन्यू के अंदर शाही पनीर और दाल मखनी के अंदर मेन कोर्स में से एक ना एक चीज जरूर होती है। बाकी चाहे जो मर्जी ऑर्डर कर दें, लेकिन मेन कोर्स में शाही पनीर या दाल मखनी में से एक ना एक चीज हर कोई ऑर्डर करता ही करता। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे आज की डेट में आपको 150 या 200 रुपए की खाली एक आइटम मिलती है, शाही पनीर या दाल मखनी की प्लेट, आपका भाई 170 रुपए में अनलिमिटेड शाही पनीर भी खिला रहा है, अनलिमिटेड दाल मखनी भी खिला रहा है, और अनलिमिटेड बटर नान भी खिला रहा है, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। नान का साइज मैटर नहीं करता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनलिमिटेड है, जितनी बार मर्जी रिफिल कराओ। बस ये रहता है कि आप इसका जो है ना फूड वेस्टेज ना करें। अगर फूड वेस्टेज करते हुए देख ले तो 100 रुपीज फाइन लगता है। आप रिफिल चाहे 50 बार कराओ, मना ही नहीं है आपको। तो सर जी, अब मैं प्लेटिंग करने जा रहा हूँ 120 रुपए वाली अनलिमिटेड ऑफर में, ना जेब पे भारी ना पेट पे भारी। ये आ गई सर हमारी दाल मखनी, ये आ गए सर हमारे ऑनियन, मिंट सॉस, प्यार, और ये आ गए सर हमारे बटर नान 120 रुपए में अनलिमिटेड दाल मखनी, अनलिमिटेड बटर नान, 2, 4, 6, 8, 15, 20 जितनी आपकी क्षमता है खा के जाओ। सिंगल पर्सन के लिए वैलिड रहता है, दोपहर को 2 बजे अनलिमिटेड ऑफर स्टार्ट होता है, टिल स्टॉक लास्ट, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूँ, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये ऑफर बंद रहता है, क्योंकि शाम की तैयारी करनी होती है, कोयला वगैरह को दोबारा तपाना होता है। वैरायटी दी हमारे पास, बेफा कुलचा है, बदनाम कुलचा है, और अपना वेज कीमा टिक्का बिरयानी है, कीमा चाप है, चाप बटर मसाला है। चाप बटर मसाला सारी दुनिया बेचती है बटर नान रोटी के साथ, हमारी लोग कुलचे के साथ बहुत लाइक करते हैं चाप मसाला। ठीक है ना, बर्गर सारी दुनिया आलू टिक्की में बेचती है, इन्वेंट किया मलाई चाप बर्गर। ऐसा जी, जब मुन्नी बदनाम हो सकती है तो कुलचा भी तो बदनाम हो सकता है। मैंने भी जब चालू किया था अपना खाने का काम, हम भी तब जीरो ही थे बिल्कुल, और सड़क में बर्तन तक बैठ के धुले, वो भी टाइम देखा हुआ है। लेकिन आज वाहेगुरु की मेहर है, उस भगवान की मेहर है कि यहाँ तक पहुंचे हैं, मेहनत करके ही पहुंचे हैं जी। जो हमारी लोकेशन रहती है वो रहती है जी रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, पॉकेट E16/289, सेक्टर 7 और 8 का डिवाइडिंग मेन रोड है जी, बाटा शोरूम के बिल्कुल साथ में। टाइमिंग्स जी, हमारा आउटलेट दोपहर को 2 बजे खुलता है, और 2 बजे से अनलिमिटेड ऑफर मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, टिल स्टॉक लास्ट। जब तक हमारे पास आउटलेट पे माल रहेगा अनलिमिटेड देने के लिए, तब तक आपको जी भर के खिलाएंगे, और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये आ गई सबसे पहले हमारे बटर नान, अब ये आ गई जी शाही पनीर, किन लोगों के लिए? शाही लोगों के लिए। अब ये आ गई जी दाल मखनी, किन लोगों के लिए? जो लोग मक्खन लगा के अपना काम निकलवाते हैं लोगों से, उनके लिए है दाल मखनी। अब ये आ गई जी इसमें प्यार हमारा, ये आ गई जी ऑनियन, ये आ गई जी मिंट सॉस, और साथ में थाली में भी एक चीज की कमी है, एनर्जी वाले कैप्सूल। जिसका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, वो एनर्जी वाले कैप्सूल भी अनलिमिटेड मिलेंगे एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो मैं हूँ रोहिणी के गरीब की हट्टी में, जहाँ की खाना अनलिमिटेड मिलता है आपको। तो जो मैंने ऑर्डर करी है वो ऑर्डर करी है 170 रुपए की थाली, जिसमें मुझे मिला है शाही पनीर जो कि मैं अनलिमिटेड रिफिल करवा सकती हूँ। बीच में मुझे मिली है दाल मखनी, और ये है इसके साथ अनियन और ग्रीन चटनी, और ये है इसमें बटर नान। बटर नान अनलिमिटेड ऑर्डर कर सकते हैं, अनलिमिटेड रिफिल करवा सकते हैं, और ये मिले हैं साथ में मुझे एनर्जी के कैप्सूल्स, ये भी अनलिमिटेड है, इनको भी जितना चाहे आप उतनी बार रिफिल कर सकते हैं, लेकिन इसे एक कैप्सूल ही एक बार के लिए बहुत है। तो मैं जो ट्राई करने वाली हूँ वो मैं नान के साथ ट्राई करने वाली हूँ हमारी।
ये है हमारा शाही पनीर। सो शाही पनीर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। शाही पनीर का स्वाद ना मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेस्ट है। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और नान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे। सो अगली चीज़ जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो ट्राई करने वाली हूँ हम सब की फेवरेट दाल मखनी। सो ये रही हमारी दाल मखनी। सो दाल मखनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे मक्खन से बनी हुई है और बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर लगा मुझे इसमें। तो इस ऑफर के साथ ये थाली बहुत ज़्यादा वर्थ लगती है, तो मैं इस थाली को एंजॉय करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।